وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق पैगंबर, हमने तुम पर सच्ची किताब नाजिल की है जो अपनी सी पहली किताबों की तस्दीक करती है और उन सब पर निगेबान है तो जो हुक्म अल्लाह ने नाजिल फरमाया है उसके मुताबिक उनके दरमियान फैसला करना और हक जो तुम्हारे पास आ चुका है उसको छोड़कर उनकी ख्वाहिशों की पैरवी ना करना असला आज इंटेलेक्चुअल इस्लाम की इस पॉडकास्ट में आप सब लोगों को वेलकम आज हम गजा की सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ आज इमरान यूसुफ जई हमारे साथ बैठे हैं अल्लामैक इमरान साहब जी वैलकुम इमरान साहब कैसे देखते हैं हमारे पैंतीस हज़ार से ज़्यादा शुहदा सत्रह हज़ार बच्चे जिनकी फैमिलीज़ नहीं या तो वो मर चुके हैं वालद या फिर वो जुदा हो चुके हैं उनसे एक लाख से ज़्यादा जख्मी हैं और बीस लाख से ज़्यादा जो हैं वो फाके कशी का शिकार हैं यानी एक सात साढ़े सात महीने की सफाकियत है बरबरीत है और उसके बाद अब आज हम दो तीन दिन पुरानी एक न्यूज़ है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का प्रोसिक्यूटर है उसने कहा जी मेरे पास इनफ एविडेंस है इस बात का कि वहाँ पर वॉर क्राइम्स हो रहे हैं और मैं हैरान रह गया जब मैंने ये देखा कि वहाँ पर दो इसराइली रहनुमा लेकिन तीन हमास के रहनुमाओं के नाम यानी वो ये कहता है याहिया सिनवर जो कि वहाँ पर लीड कर रहे हैं हमास को मोहम्मद दब जो ऑपरेशनल लीडर हैं इसी तरह इसमाइल हानिया जो पोलिटिकल लीडर हैं इनके प्रोपोज किए उन्होंने के अरेस्ट वारंट निकाले जाएं कि वार क्राइम्स में ये लोग शामिल हैं और बड़ी अजीब और गरीब किस्म की उनके ऊपर जो है इल्ज़ाम हैं इसके अगेंस्ट दो और लोग हैं एक नितन याहू उसके बारे में ये बात की गई और दूसरा उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है गैलेंट तो शुरू करते हैं अपनी अपनी बात को इसी आई जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है इसी के इस मौजू से हम अपनी आज की बात शुरू करते हैं कि जब हम ये देख रहे हैं कि पूरा इंटरनेशनल ऑर्डर सात साढ़े सात महीने से इसराइल के पीछे खड़ा है अमेरिका खड़ा है वेस्टर्न पूरी वर्ल्ड खड़ी है तो फिर क्या इसका क्या मतलब है कि ये जो अभी एक नई वेव है एक नई मूव है आईसीसी में ये कोई स्टांस चेंज हो रहा है क्या इसराइल की जो एक हिमात थी उससे कुछ लोग आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ खिसकेंगे क्या होगा ये हमारा साहब बहुत शुक्रिया अच्छा देखें आपने देख स्टार्ट जिस बात से लिया ना कि आपने ालम और मजलूम को एक जगह पे खड़ा कर दिया है जो सेवन सिक्स ईयर बनते हैं ना फोर्टी एट से अभी तक सेवनटी सिक्स ईयर बनते हैं सेवनटी सिक्स ईयर से जो मजालिम कर रहे हैं साढ़े सात लाख लोगों को इधर निकाला सैकड़ों चेक पोस्टें बनाई उनको सेटलमेंट्स uh, बना रहे हैं उनकी ज़मीनें जमीन से उनको निकाल रहे हैं उनके घर मसमार कर रहे हैं जब हर दूसरे तीसरे दिन आप चार पाँच बंदों को वैसे ही मार रहे हैं अभी मैं सेवन अक्टूबर की बात की बात नहीं कर रहा

सबसे पहले तो ना ये एक 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 मजाक है कि अब आपको आप मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इंटरनेशनल ऑर्डर जो कोलेप्स हो चुका हुआ है वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो ख़त्म हो चुकी हैं जो अमरीकी यूनिवर्सिटी के लोगों से लेकर अफ्रीका से लेकर पूरी दुनिया उसको जान चुकी है कि उसकी क्या हैसियत है अब आपको एकदम ऐसा लगा कि यार छोटे मोटे कोई एक्शन लेने चाहिए जिससे थोड़ा सा इंटरनेशनल के साथ लोग इंटीग्रेट हो, अटैच हों कुछ ट्रस्ट रहे हमारी थोड़ी बहुत मौजूद रहे और फिर आपको ये भी आपसे हो नहीं पाया तो अगले दिन वो करीम खान साहब करीम खान नाम है ना उनका जो प्रोसिक्यूटर थे इंटरव्यू देते हुए कह रहे थे कि मुझे एक हाई ऑफिशियल ने कहा है कहते हैं ये कोर्ट हमने ना ये अमरीकियों के लिए इनके लिए नहीं बनाई हुई इसराइलियों के लिए ये तो हमने बनाई है के लिए, ये तो, के लिए भी है। अच्छा। ये तो इनके लिए तो बनाई ही नहीं है तो यानी और और अच्छा उसके इंटरव्यू से लग रहा है जैसे कि ये इधारा कड़ा है लेकिन अभी भी अमरीका या इसराइल नहीं मान रहा लेकिन इधारा कड़ा है। भाई कोई इदारा नहीं कड़ा ये आपने सिर्फ अरेस्ट वारंट के लिए अप्लीकेशन दी है

क्रिमिनल वो करेंगे इनको सेंक्शन करेंगे इनकी जरूरत कैसे हुई तो देखें पहली बात तो यह है कि आप असल में ना जब एक ऑलरेडी पूरी दुनिया की नजर में एक हिटलर एक नतन याहू बदनाम हो चुका है और ये पॉसिबल है कि आज से छह महीने साल बाद ये रिप्लेस हो जाए और उसके बाद आप कहें देखें हमने इसको एग्जैंपल बना दिया है ये देखें इसको अरेस्ट वारंट इशू कर दिया है और जब ये रिप्लेस हो जाएगा तो फिर पवित्र हो जाएगा साफ सुथरा गलती से पाक ये सारा मसला तो सिर्फ ये दो फार राइट के कुछ हमारे पास आए हुए थे आर्मी के, तो तो के साथ बैठा हुआ है वो तो मोस्ट जो है वो इंटरनेशनल ऑर्डर के साथ चल रहा है वो द ओनली डेमोक्रेसी इन द मिडल ईस्ट है वो तो हाइस्ट मोरल ग्राउंड के मुताबिक काम करता है ये तो कुछ लोग आ गए थे उन्होंने इसराइल पे काबिज हो गए थे और इसके इसराइल के अंदर लोग उसके खिलाफ थे अमेरिका भी एंड ऑफ हल्का उसको प्रेशराइज करने कोशिश करता रहा था ताकि ये बाद में ये सारा ब्लेम इस पूरे इंटरनेशनल ऑर्डर पे ना आए पूरे इसराइली स्टेट जो खूब सारी जो जो जीव स्टेट है जो कि ऑक्यूपेशन है असल में उसको हम क्लीन चिट दे दें किस बात पर मसला नितनिया हुआ है अगर चाहिए उसको भी एग्जीक्यूट नहीं छह महीने बाद, बाद दो साल बाद पांच साल बाद हो गया जिस लीडर को किया था, तो उसके क्लीन हो जाएगा ना सब कुछ अच्छा आपकी बातों से वैसे ये लग रहा है कि ये जो अरेस्ट uh, वारंट की जो भी बात है ये अमलन जरा सा भी प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकेगा इसराइल के ऊपर देखें, देखें अमेरिका अपनी प्रिस्टीच और अपना वो एक सॉफ्ट पावर मेंटेन भी करना चाह रहा है लेकिन वो इसराइल से जरा सा भी पीछे हटने पर तैयार नहीं है क्योंकि उसको मालूम है कि ये उसकी फॉरवर्ड बेस है ये क्रिटिकल टाइम है इस इस मौके पर वो इसराइल से जरा सा भी पीछे नहीं हो सकता किसी पीस टाइम में वो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट की पॉलिसी में स्लाइट डिफरेंस है डेमोक्रेट जो है वो थोड़ा बहुत प्रेशराइज करते रहे फॉर एग्जाम्पल ईरान इसराइल के जो क्लैश रहे हैं तो रिपब्लिकन इरा, ईरान को सेंक्शन करते हैं लेकिन डेमोक्रेट जो है वो ईरान के साथ एक डील बनाना चाहते हैं जो कि इसराइल से खुश नहीं है और वो कहीं ना कहीं कुछ पॉलिसी ऑब्जेक्टिव कुछ ना कुछ गैप्स मौजूद हैं इसराइल ब्रॉडर लेवल पे अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है जबकि अमेरिका उसको एक खास दायरे के अंदर उसको बदमाशी करने की इजाजत देता है और उससे आगे बढ़ने नहीं देता तो आपके आपको अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कहीं ना कहीं गैप नजर आता है लेकिन इस मौके पर इस इशू में दे हैव नो स्पेस वो दोनों अपनी सॉलिड बेस को जबकि इस वक्त वो एक वॉर लड़ रही है कोई भी पीछे नहीं हट सकता इसलिए वो हल्की पुल्की बातें करेंगे कि आप हमला हम बंद कर देंगे करके दिखाएं असला पहले पहुंचा के आप कह रहे हैं हम हमला बंद कर देंगे सारी सप्लाई पहुंचा के आप सिर्फ आप अपने आप को हल्का सा डिटेच एक इंच एक फुट पीछे रहना चाहते हैं ताकि वो नितनिया और बाइडन बिल्कुल इक्वल ना हो जाए और नजर आए कि बाइडन बहरहाल अरब ममालिक बाकी ममालिक के जो एजेंट रूलर हैं वो अपने वाम के सामने दिखा सकें कि हम बहरहाल बाइडन से को कह रहे हैं कि वो प्रेशराइज करें और वही ये काम कर सकता है तो इसके लिए अमेरिका को छोटी मोटी मॉरल अथॉरिटी चाहिए जो कि वो फास्टली लूज कर चुका हुआ है अच्छा मेरी इसमें एक ऑब्जर्वेशन है मतलब ये एक अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स है उसकी वजह ये है कि मैं आ, मेरे बहुत से दोस्त और बहुत से तालुक वाले मैंने पहली दफा देखा उनके मुंह से मैंने सुना कि यार ये वर्ल्ड ऑर्डर पे हमें एतमाद नहीं रहा मतलब हम पहले भी ये बात करते रहे हैं काफ़ी ज़्यादा लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा लोगों के मुंह से अब ये सुनना शुरू कर दिया था कि ये क्या वर्ल्ड ऑर्डर है कि जिसने आज तक मुसलमानों का कोई एक मसला भी हल नहीं किया तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी के वर्ल्ड ऑर्डर या वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन के ऊपर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर कोई एतमाद बहाली के लिए कोई इस तरह का एक मूव की गई हो वट्स योर व्यू पॉइंट देखें वॉर ऑन टेरर के साथ ना जब ये वॉर ऑन टेरर ये 20 ईयर तकरीबन 22 ईयर 3 ईयर चलता रहा इसके साथ इसमें हर एक दिन एक्चुअली इस इंटरनेशनल ऑर्डर की सारी अथॉरिटी लेजिटिमेसी इसकी मोरल जो जो स्ट्रेंथ है वो सारी हर दिन खत्म होती रही और अगर आप 2003 याद करें जब इराक वार के लिए वो कर रहे थे और यूएन की परमिशन के बगैर कर रहे थे यूरोपियंस ने अमेरिकन को एक्सपोज करने के लिए अपने मुल्कों में काफी बड़ी मिलियन मार्च के रेलीस को अलाउ किया होने दिया ताकि अमेरिका एक्सपोज हो अबू गरीब जेल से लेकर ये बकूबा और ये बाकी सारी जेलों की जो ग्वांटनामा uh, बे है इसने पूरे इंटरनेशनल ऑर्डर को उन लोगों पर भी एक्सपोज कर दिया जिनकी आंखों पर काफी हद तक पट्टी लगी हुई थी उनके सामने भी एक्सपोज कर दिया hmm. गजा इज बेसिकली द एंड ऑफ दिस इंटरनेशनल ऑर्डर एक्चुअली वो यूरोपियंस और अमेरिकन जो एक कंट्रोल व्यू से चीज़ें देखते थे जिनको एक डिफरेंट इमेज दिया गया था जो अपने बबल और कुकून के अंदर थे जो कि जिनके लिए जिन, जो जो, जो अफ्रीका और एशिया को जानते भी नहीं थे उनका ख्याल था थोड़ा सा पुराना सर्वे है जिसमें बीबीसी का सर्वे यूके के अंदर तो उसमें वो लोगों से पूछते हैं कि वट इज दिस इसराइल फलस्तिन कल क्या है तो फोर्टी टू परसेंट ने कहा कि फलस्तनी इसराइल पे काबिज हैं और ये असल में जगड़ा है

क्या वजह है आखिर मुंह से वो हार्स माउथ निकल आया उनका है फेसबुक और कितना प्रेशराइज कर सकते हैं कंप्लीटली कंट्रोल में नहीं है तो उन्होंने बैन लगा कि सिक्स मंथ में इसको बेचे, बेचे। ये बाइट डांस वालों को कहा कि आप इसको इस ऐप को बेचे या फिर हम आपको बैन कर देंगे सो ये जो अवेयरनेस आई है इसने पूरे ऑर्डर को खत्म कर दिया अब ये अवेयरनेस उस पीक पे जा चुकी है कि या तो इस पूरे अमेरिकन और यूरोपियंस को अगर इस सिस्टम को सर्वाइव करना है अपनी हैजनी बरकरार रखने के लिए तो इनको एक मेजर ओवरऑल करना ओवरऑल करना पड़ेगा प्रोबेबली शायद इस गजा इसके एपिसोड के बाद या फिर हम मुसलमानों को इस पूरे इंटरनेशनल ऑर्डर को मसमार करना पड़ेगा

अच्छा मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ और हमारे आ, जो आसपास के लोग हैं उनसे भी मेरी यही ऑब्जर्वेशन है कि उनकी सेम फीलिंग्स है कि ये जो इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर है ये एक इंतहाई बाइस्ट और ओनली टू प्रोटेक्ट द बिग पावर्स एक इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो बनाया गया है तो इस सारी सिचुएशन के अंदर जो अमेरिका है या वेस्टर्न पावर्स हैं अगर वो देख रही हैं कि गज़ा की वजह से या रफा ऑपरेशन की वजह से देर इज़ अ एक हर्डल्स हैं या डिक्लाइन ऑफ ट्रस्ट है लोगों का तो फिर भी उसके बावजूद क्या मुसलमानों की नफरत ज़्यादा है कि वो फिर भी कंटिन्यू कर रहे हैं वो अलाउ कर रहे हैं इसराइल को या इसराइल जो है उसकी कोई जिद है या मतलब व्हाट्स मेकिंग देम टू कंटिन्यू दर ऑफ द मुस्लिम्स कि वो अपना सिस्टम जो के तबाही के करीब पहुंच चुका है उसको भी उन्होंने बेपरवाही के साथ रखा हुआ है कि ठीक है हम हम बदमाशी करेंगे लेकिन हम ये कंटिन्यू करेंगे वो है अमेरिका में ये, है कि ये जो क्राइसिस है इट कैन बी फैटल ये तबाकुन हो सकता है इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए अमेरिकन हैजमनी के लिए और मुस्लिम वर्ल्ड में कुछ इरप्ट हो सकता है रिजीम गिर सकती हैं वॉर हो सकती है अभी डिस्कशन में अभी आज एक आर्टिकल देख रहा था फाइनेंशियल टाइम्स में जिसमें वो ईरान और अमेरिका की सीक्रेट टॉक्स की डिस्कशन है अभी जो उनके एक्टिंग फॉरन मिनिस्टर हैं वो ओस्लो में उन्होंने कुछ मुजाकर किए हैं अमेरिका के साथ एंड दे सम वट सेटिस्फाइड कि हमने इसको रीजनल इसको एक्सपेंड करने से ब्रॉडली कंटेन करने में कामयाब हुए हैं सो इट वॉज टफ थिंग फॉर देम इट इज अ टफ थिंग फॉर देम ठीक है so, दे प्रोबेबली वो जैसे था था ना अकड़ और गुरूर में बाजार अकल थोड़ी सी माफ होती है काबू रखने में कामयाब हो जाएंगे इट इज एनि थोड़ा सा ब्लफ भी है एक एक बड़ा एक रिस्की किस्म का काम भी है ये रिस्क को क्यों ले रहे हैं दो रीजन से एक तो एक अकड़ और गुरूर ने उनको इस बात पे कन्विंस किया है कि मुस्लिम रूलर्स और कुछ जगहों पे मुस्लिम मिलिट्री लीडरशिप्स वो हमारी स्ट्रॉन्ग मुट्टी में है इसलिए अगर लोग उठेंगे भी तो वो क्रश कर देंगे बट स्टिल मोर लाइकली है लेकिन असल में जिस चीज ने उनको फोर्स किया है वो बाइडन का इलेक्शन है इलेक्शन एक, 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 एक एक है जिसमें उसको एक फॉरन पॉलिसी विन चाहिए अब ये बहुत हाई स्टेक गेम है आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें अरब रिजीम गिर सकती है अरब अरब ऑलरेडी पॉइंट पे है अमेरिकन्स इसको 2011 में देख चुका है अमेरिका के एक मुल्क के अंदर एक शख्स ने अपने आप को आग लगाई और पांच रिजीम्स डिस्टेबलाइज हो गई गिर गई चौथी और पांचवी में डिस्टेबलाइजेशन अभी तक चल रही है और स्टेबलाइज नहीं हो सका आ, कजाफी उड़ गया उसने मुबारक जो है वो खत्म हो गया का कोकुमरान खत्म हो गया अली अब्दुल्ला साले को गोली मार दी गई जो यमन में बैठा हुआ है और बशार कितनी मुश्किल से अभी तक सरवाइव और इदले वगैरह उनके हाथों में नहीं है एक अभी तक छह लाख लोग जो है इसमें मारे जा चुके हैं है। जब ये बात करता हूँ ना तो, तो कहते हैं पॉइंट है यार ये अपनी रेडी पे बैठा हुआ है, ये कोई नहीं है आपको अंदाजा नहीं है फिर मुझे जवाब दें कि एक बंदे के आग लगाने से पांच कैसे घर गई और जबकि बॉर्डर है अलग अलग मुल्क है अलग अलग कौमे हैं आपके मुताबिक अलग झंडा अलग कौमी तराना अलग बाबा कौम अलग सब कुछ है तो एक मुल्क से आगे पांच मुल्कों में कैसे चला गया दैट शोज द मुस्लिम वर्ल्ड ये एक

ये अफ्रीका में अंगोला में ये करना है फला कंबोडिया में ये करना है यहां से ये उठाना है मिडल ईस्ट का ऑयल को ऐसे प्राइसेस मैनेज करनी है अफगानिस्तान के साथ ये करना है चाइना को कैसे कंटेन करना है यू मैनेज द वर्ल्ड आपके जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हेड्स हैं जो आपके अंडर सेक्रेटरीज हैं वो रीचर्स चला रहे हैं वो वाइस राय वो लॉर्ड हैं ठीक है तो ये बादशाहत है दुनिया की तो इस बादशाह के लिए दो ग्रुप जत्ते हैं एक रिपब्लिकन का जत्ता है एक डेमोक्रेट का जत्ता है उसके लिए उनको को कोई मेजर विन चाहिए ताकि अमेरिकन पॉपुलेशन को कन्विंस कर सके कि इन दो बदमाशों में से हम बदमाश ज्यादा अच्छे हैं तो आपको फॉरन पॉलिसी विन चाहिए दूसरी तरफ नितिन भी तो यह रिस्क ले रहा है ना उसको पता है कि उसकी पूरी हुकूमत जो है ये पूरी स्टेट जो है ये खुद हवा में है मुस्लिम रिकॉग्नाइज नहीं करते जॉर्डेनियन ने उनको कब से रिकॉग्नाइज किया हुआ है जॉर्डन के अवाम ने कबूल कर लिया वो तुर्की ने कब से रिकॉग्नाइज किया हुआ है दरमियान तो के के में बैठी हुई है और अगर सराउंड में कोई भी रिजीम सिंसेम आएगी तो वो खत्म हो जाएंगे दे नो दिस इसलिए वो इस मसले को किसी न किसी सूरत में हल करना चाहते हो नितिन याहू की पोलिटिकल सर्वाइवल भी इस पर डिपेंड करती है far right की पार्टी है दे बिलीव ये कब तक रहेगा हमें इसको कहीं ना कहीं तो जाना है कभी तो सॉल्व करना है एंड दे बिलीव अमेरिकन आर नाउ फोर्स टू सपोर्ट अस वो वो इस वक्त अगर किसी और मौके पे शायद अमेरिकन अपने ऑब्जेक्टिव्स में अगर इसराइल के साथ थोड़े बहुत क्लैश होते तो वो शायद अपनी भी थोड़ी मनवाते लेकिन इस टाइम पे बाइडन उसको मैड डॉग बेशक कहे कुछ भी कहे खुश नहीं भी है हैज टू सपोर्ट ही नो के इस टाइम पे अगर ये फॉरन पॉलिसी वॉर में हारता हूं ट्रम्प कहता है मैं सपोर्ट करूंगा तुम सपोर्ट नहीं करते हो तुम हमारा अड्डा नहीं बचा सके हो तुम अपने यहूदियों को नहीं बचा सके हो वो जीत जाएगा इसलिए भी इसको एक्सप्लाइट कर रहा है वो भी इसको एक्सप्लाइट कर दिस इज द टाइम हमें एक दफा देखें ये कतलेआम वगैरह ये लोग बहुत दफा कर चुके हैं सिर्फ आज ये है कि हाई विजिबिलिटी है

ठीक है ना डोरीमोन टाइप की कोई स्टेट बना दो जिसमें कार्टून जो, जो, जो जिसके पास कोई ताकत ना हो और वो इस, इस स्टेट को तो कबूल कर लो और लेकिन नहीं मान रहा ताकि वो मुस्लिम वर्ल्ड को दिखाए कि देखें वो बड़ा आकड़ मिजाज है वो नहीं मान रहा हमें उसको ना किसी सूरत में मनवाना है हमें उसकी मिन्नतें करनी है उसको प्लीट करना है कि खुदा के लिए तुम मान जाओ मान जाओ और वो जनाब एक बड़ा एक बुचर है जो कह रहे हैं मैं सबको खत्म कर दूंगा सब मुस्लिम वर्ल्ड इसराइल के अंदर एज ए स्लेव रहेंगे उनकी कोई स्टेट में छोटी सी स्टेट ही बर्दाश्त नहीं कर रहा हूं वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा तो ये इसके अंदर जो एक पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग आपने रेस किया है कि दे आर प्रोपोजिंग या उनका प्लान कुछ इस तरह है कि हम एक गुड कॉप बैड कॉप शो करें और नितिन याहू बैट कॉप हो और फिर हम मुस्लिम वर्ल्ड को कहें कि यार देखें ये जो ब्लड शेड रोकना है ना इसके लिए कुछ आपको भी मिनतें करनी पड़ेंगी फिर नितिन याहू की तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो मुसलमानों से मिनतें करवाएं कि एक तो हम अपने इलाका भी सरेंडर करेंगे फिर हमने जो अपने शहदाए हैं उनके लाशें देखे हैं और उसके बाद जो एक रियासत जिसकी सोल्यूशन की जो आप बात कर रहे हैं उसकी भी अगर थोड़ा सा मुझे ब्रीफ कर दें कि वो क्या रियासत है जो एट द एंड अचीव होगी Uh, मतलब क्या मुस्लिम हुक्मरान जो हैं वो क्या अचीव करना चाह रहे हैं वो क्या शो करेंगे मुस्लिम वर्ल्ड को कि जी ये हम ले आए हैं आपके लिए फलस्तीन बचा के तो वो वो क्या चीज़ है देखें हाँ साहब मैं ए, इस इस आर्गूमेंट से ना पहले एक छोटी मोटी एक दो बातें देखें देखें ये जिसको ना टू स्टेट सोल्यूशन कहते हैं वो असल में तो वन स्टेट सोल्यूशन है ठीक है लेकिन लफ्स टू स्टेट सोल्यूशन कहने से ना वो एक वाइडर तबका जिसको डिटेल नहीं पता ना आप जिसको साइलेंट मेजोरिटी कह रहे हैं कह सकते हैं उनको यह एहसास होता है कि शायद कुछ मिल तो रहा है ना और इनका फोकस ये कि वो ये साबित करें कि देखें कतलेआम तो रुक जाएगा ना वो तो पागल शख्स है वो सबको मार रहा है तुम और देखे एक मुसलमान मुसलमानों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ये थॉट क्लियर होती जा रही है कि इसराइल तो सारी इजिटिमेट स्टेट है इसको तो एक ये जो टू स्टेट क्या होती है भाई ये कहाँ से आ गया आपको आपने देखा कि ने आवाज़ उठाई मुख्तलिफ स्कॉलर आवाज उतारे ये टू स्टेट कहाँ से आ गया टू स्टेट कहाँ से आ गया ना तो अब एक तरफ एक आर्गूमेंट यह कि टू स्टेट कहाँ से आ गया ये तो सारी हमारी लैंड है और कमराना को कहेंगे तुम्हारा दिमाग खराब है भाई वो टू कह रहे टू स्टेट नहीं मानता मैं मैं तुम्हें एक इंच भी नहीं देने को तैयार तुम किस दुनिया में रहते हो तुम वो काबिज है हम उनकी मिन्नत करके मुसलमानों का कत्लेआम रोक कर उनको छोटी सी एक स्टेट देने की कोशिश कर रहे हैं और तुम उसमें हर्डल बना रहे हो तुम किस दुनिया में रहते हो तुम्हें अकल है कि नहीं हम उनकी जान बचा रहे हैं और तुम पागलों की तरह मैडमैन डिप्लोमेसी के नाम पे पता नहीं क्या कर रहे हो तुम तुम कह रहे हो नहीं इनको खत्म कर दो इनको खत्म कर दो इस दुनिया में आओ वापस आओ हकीकत में आओ कहां रहते हो तुम हम सब उसके पैर पकड़ेंगे न के उसके पैर पकड़कर अमेरिका से कहेंगे खुदा के लिए इसको मनवाओ ब्रिटेन के पास जाएंगे खुदा के लिए मनवाओ ये मुल्क शायद थोड़ा बहुत प्रेशर डाल के थोड़ा बहुत मिनते करके यही कर सकते हैं हम इससे कुछ नहीं कर सकते इमरान साहब एक मुश्किल सवाल करना चाहूंगा मुसलमानों की जाने या मस्जिद अक्सा हमें हम दो अरब मुसलमान मस्जिद अक्सर पे कुर्बान होने के लिए तैयार है।, है ये हमारा ईमान का तकाजा है ये उम्री उम्र है अवल है कि मौहिद मौहिद है ये, ये अम्बिया की मीरास है अगर आप और मैं ये दावा करते हैं कि इन अम्बिया की तोहिद हम लेके चल रहे हैं यहूद नहीं तो फिर यह हमारा है। तो अगर आप समझते हैं कि नहीं ये सब उस अंबिया की मीरास लेके चल रहे हैं और इस्लाम वाहिद दुरुस्त दीन नहीं है तो फिर बांट लें इसको देखिए अगर आप इस बात खड़े कड़े कि ये मस्जिद अक्सा ये उसका हक है जो इन अंबिया की मीरास लेके चल रहे हैं या तो फिर आप नमाज में ना गैरमूब अल वाली कहना बंद कर दें अल्लाह के सामने पांच दफा आप खड़े होके और कितनी रकाते हैं उन हर रकात में आप कहते हैं उन पे गजब उनकी तरह ना बनाना और फिर आप मचीर उनको देते हैं मैं लेकिन आपने ना जो सवाल जिस तरह से दिस वर्सेस दिस रेज किया है ना क्योंकि ये हुक्मरानों की तरफ से मुसलमानों के अवाम को यही बताया अमास ये सवाल जिस तरह रेज हुआ है ना आई नो आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं है आप तो आप एक अर्गूमेंट रख रहे हैं जो ने रखा है लेकिन हम ये दिस वर्सेस दिस है भी नहीं एक्चुअली मेरे पास वो ताकत मौजूद है वो जंगी मशीन मौजूद है कि मैं मुसलमानों की जान भी बचा सकता हूं मैं मस्जिद अक्सो को भी सेव कर सकता हूं और मैं इन यहूदियों को उस जगह पर पहुंचा सकता हूं कि ये पत्थर और दरख्त के पीछे छुपेंगे और इनको शिजोफ्रेनिया और इनको पैनिक अटैक और इनको एनजाइटी के ऐसे अटैक होंगे कि उनको लगेगा कि ये दरख्त बोल रहा है और ये पत्थर मेरे बारे में बता रहा है जब मेरे पास ये अहलियत है तो मुझे बताएं किस ग्राउंड पे आप मेरे पास ये ना होती तो मेरा जवाब फिर भी वही था हमारे एक मुसलमान के खून का कतरा हमें अजीज है हम किसी मुसलमान के एक खून का कतरा बहाने के भी के लिए भी तैयार नहीं है लेकिन जब बात आएगी ईमान की हम सब ने मरना है हम सब ने अल्लाह को जवाब देना है हम सब ने रोजा के आमत अल्लाह रसूल को जवाब देना है अल्लाह ने हमें एक मिशन के साथ भेजा है हम यहां पे चिल लाइफ एंजॉय करने नहीं आए हुए अगर मिलती है बिल्कुल अल्लाह ने हमें जायज किया हुआ है लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव कल मैं कहूं कि अगर हम अमेरिका की इतात कर लें तो वो हम पे कोई जन्नत के दरवाजे खोल देगा तो क्या मैं कुफर अख्तियार कर लूंगा नहीं हम इस मस का सौदेबाजी नहीं कर सकते सलाउद्दीन ने जब इसको आजाद किया तो उससे पहले जब इसको फतेह किया ईसाइयों ने इसको उन्होंने सत्तर हजार मुसलमानों को शहीद किया था आज यहाँ पैंतीस हजार मुसलमान शहीद हुए ना उसने सत्तर हज़ार मुसलमानों को शहीद किया था उसने मस्जिद अक्सा को घोड़ों का अस्तबल बना के रख दिया था हमने बेचा था ये मस्जिद अक्सा को हमने नहीं बेचा इसको हमने इसके बाद जब हासिल किया फिर जब दोबारा यहूद आए और उन्होंने हमसे ये मांगा सलाउदी नयूबी ने उसे क्या जवाब दिया उसने सुल्तान अब्दुल हमीद उसने क्या जवाब दिया था उनको उन्होंने कहा था कि मेरे लिए आसान है कि मेरे पेट में कैंचियों से काट चीर पाड़ा चीर पाट पाड़ दिया जाए मुझे इससे कि मैं एक इन जमीन भी तुम्हें दूँ हालांकि वो कर्जों में थे हम सौदागर नहीं है हाँ एक, मैं मुझे दें छोटा सा एक आपको एक, मैं एक, एक तारीख से एक वाक्य बताऊं कि अब्रहा का लश्कर जब खाना काबा पर हमला करने गया था ना तो रास्ता बताने वाला एक अरब शख्स था उसका नाम था अबू उनको रास्ता बताया था खाना कहबा का अल्लाह ने खाना कह को बचा लिया अल्लाह ने अब अबिलच कर उनको बचा लिया लेकिन उस अबू रगाल को अरबों ने अबू रगाल फासिक का नाम दिया था और मुद्द तो उसकी कबर पर लोग पत्थर मारते थे जो इस मस्जिद अगजा का सौदागर है वो इस उम्मत का मुनाफिक और उम्मत का अबू रगाल फासिक है जिसकी कबर पर लोग थूकेंगे उस पर पे पेशाब करेंगे ये, ये है ये हैसियत होगी उस शख्स की हम में से कोई ये शर्म और ये 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 जो गद्दारी है या ख्यात है इसको कबूल करने पे हमें कभी तैयार नहीं होना चाहिए और हम बिल्कुल कभी तैयार होंगे भी नहीं इस्लाम बुनियादी तौर पर इस्लाम ने हमें रेड लाइन दिए हैं वो कुरान की बेहरमती हो वो शान रसालत में गुस्ताखी हो वह इस्लाम के मुकदसात हों इस तरह की किसी भी चीज़ के लिए बल्कि लिखा कि पूरी उम्मत कुर्बान हो जाए रसूल की गुस्ताखी रोकने के लिए तो पूरी उम्मत कुर्बान हो जाए अगर उसकी कुर्बानी से रुकती है तो रुकेगी और इसी तरह अगर इस्लाम के खाना कहाबा है मदीना में रोजे रसूल है मस्जिद अक्सा है तो ये जो रेड लाइंस का कॉन्सेप्ट है इस्लाम के अंदर इसको थोड़ा सा अगर हम एक्सप्लेन कर दें कि उम्मत ने रेड लाइंस के कॉन्प्ट के खड़े होना है पकड़ के रहना है इसको और हमने अपने हुक्मरानों को भी मजबूर करना है कि वो इस इन रेड लाइन्स के ऊपर ना कि अमरीका की बताई हुई रेड लाइन्स देखिए मा सा मैं तो ना अब यानी मैं तो पहले से कन्विंस हूँ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत के अंदर अभी अवेयरनेस आ गई है कि ये कमरान इनको हमारी रेड लाइन की कोई परवाह नहीं है एक टाइम तक लोग शायद कुछ खुशगुमानियाँ पालते रहे कि नहीं वो मजबूर हैं नहीं ये जो कमरान हैं इनके वो रियासत की बहबूद के लिए और रियासत के नेशनल इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं नाउ इट्स वेरी क्लियर ये देयर एजेंट्स ये खाइन है सारे ये उनके लोग हैं ये हमारे लोग नहीं है ये एक तरह से दो कैंप्स है ना तो ये उनके लोग इधर बैठे हुए हैं और ये जिम्मेदारी मुस्लिम उम्मत की है मुस्लिम उम्मत के अंदर जो ताकत है जो खुवत है वो हमारी पुलिस अफवाज ब्यूरोसी हमारे जो इंटेलिजेंसिया हमारे जो नौजवान हमारे यूथ ये उलमा ये सब इनको एक्शन लेना पड़ेगा इनको एक्शन लेना पड़ेगा और इन रिजीन्स को रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ताकत है

नहीं खोलेंगे तो बात यहीं पर रुकेगी जब आप एक कंप्रोमाइज करेंगे कंप्रोमाइज इसका मतलब है आपकी कोई फिक्स लाइन नहीं है यू आर ऑलवेज एम इबल टू दर्कमस्टांसिस हालात मुश्किल बनाकर आपको मजीद कंप्रोमाइज पर तैयार किया जा सकता है ये जो ये जो, जो जमीन है मुसलमानों की बेतुलमकदस और ये अतराव जो है हम कहां से स्टार्ट करके कहां पर पहुंच चुके हैं आज आज ट्रंप पंद्रह परसेंट की हमें कह रहे हैं कि पंद्रह परसेंट जमीन आपको देंगे मेरी जमीन पर बैठकर आप मुझे कह रहे हैं पंद्रह परसेंट आपको दूंगा उसमें भी आपके पास फौज नहीं होगी इसमें भी आपके पास पुलिस नहीं होगी उनके गन्स और उनके बुलेट्स तक काउंटेड होंगी बिजली हमारी तरफ से आएगी ये हमारी तरफ से होगा हर चीज जब हम चाहे बंद कर दें आपके ऊपर पानी बंद कर दें आपके एक एक घर के जो एड्रेस के साथ उन्होंने अपने अपने रॉकेट और मिजाइल लगाए हुए कि वो एक एक उसी मिनट में आपके किसी भी घर को उड़ा सकते हैं यह आजादी आपको मिल रही है आज वो पंद्रह परसेंट की पे भी और वो कह रहे हैं मैं एक परसेंट भी नहीं दूंगा और ये लोग बड़े खुश हो रहे किसी तरह से हम मांग तो प्री सिक्स बढ़ रहे हैं लेकिन बात तो होगी ना तो हम जो है वो ये तो हमारी पोजीशन है ना हम भी आपकी ये पोजीशन क्यों है आपकी सो परसेंट पोजिशन क्यों नहीं है आप पहले से कंप्रोमाइज पे तैयार हैं और इस पर भी तैयार है कि मजीद कंप्रोमाइज करेंगे हम तैयार हैं इस पर उसको कोई मनवाए ये बात क्यों नहीं हो रही हम नहीं मानेंगे अच्छा ये जो अभी इसको इख्ताम की तरफ आते हुए सोल्यूशन की बात भी कर लेते हैं आपने सो की बात की कि 100 परसेंट ज़मीन का मुतालबा मुसलमान रखते हैं और हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हमने 100 परसेंट ज़मीन जो है वो आज़ाद करानी है इस कब्ज़े से तो इसमें ना दो पॉइंट्स हैं जो कि मैं चाहूँगा कि आप उसके ऊपर थोड़ा सा हमें एक्सप्लें करें एक तो ये कि कोई हल जो मगरब या इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर या अमरीका की तरफ से है, वो हमें कबूल नहीं है हमें सिर्फ वो हल कबूल है जो इस्लाम ने हमें बताया है नंबर वन और दूसरा ये कि आपने बीच में एक जुमला बोला मुझे वो बहुत पसंद आया कि जी हमारी अफवाज में वो ताकत है कि देखते देखते फ़लस्तन को आज़ाद कराएं और मुसलमानों का जो कत्ल आम नसल कुशी हो रही है उसको रोक लें ये बिल्कुल ताकत मौजूद है तो जब मुसलमान अफवाज में ये ताकत है मुसलमान के अंदर ये ताकत है तो रुकावट क्या है आप क्या देखते हैं कहाँ पे बात आके फंस गई है क्यों नहीं हो रहा क्या रुकावट है मुसलमानों के अफवाज के ऊपर अच्छा, मैं मुझे वैसे ना ये भी अच्छा लगता। हमारा ये मुतालबा है कि हम कोई अच्छा नहीं करें हमने लेनी ये हमारी जमीन है बस हम इस पर कोई मुजाक नहीं कर रहे मेरा ये मुतालबा है आपका क्या मुताबा है चले इससे कहीं ना कहीं इंप्रेशन भी आता है कि शायद इस पर बात हो सकती है इस पर बात हो ही नहीं सकती दिस इज आवर लैंड खत्म ठीक है

आप इसके ऊपर बात करते हैं तो आप अल्लाह को चैलेंज कर रहे हैंड आप अल्लाह के मुकाबले में खड़े हो रहे हैं असल में अल्लाह ने कहा निकाल उनको वहां से उन्हें तुम्हें निकाला है हमारे मुसलमान की पूरी तारीख में हमने नहीं किया कंप्रोमाइजे आप हैं कौन कंप्रोमाइज करने वाले आपके पास ये अथॉर्टी नहीं है हम किसी एम को किसी शाह अब्दुल्ला को किसी जो है वो सीसी को किसी आसिम मुनीर को किसी हसीना वाजिद को ये हक नहीं देते कि वो राशिद मखतूम को या किसी और को कि वो इसके ऊपर हमारे पे बात कर सके यू आर नो बडी टू डिस्कस ऑन दिस इशू पहली बात तो ये है दूसरी बात यह है कि वट स्टॉप दैम मिलिट्री कमांड एंड द पोलिटिकल कमांड ये जो मुसलमानों के फौजी कायद हैं और ये जो चीफ्स हैं और सियासी क्यादतें हैं ये लोग हैं ये लोग तो एक्चुअली इस वक्त फुली ऑपरेशनल हैं यानी ये नहीं कि जंग से साइड लाइन है और अपनी फौज को रोक रहे हैं। नहीं ये जंग में शामिल हैं इस वक्त हमने जॉर्डन को देखा नहीं कि उसने सारे रॉकेट्स और मिजाइलों कैसे गिराए हमने देखा नहीं कि जॉर्डन एयर ब्रिज दे रहा था हमने देखा नहीं कि सऊदी अरब बहरेन और ये सारे यूए सब उनको ग्राउंड रूट दे रहे हैं उनको सप्लाईज लाइन पहुंचा रहे हैं हम देख नहीं रहे कि ये लोग पाकिस्तान से किसी ने बात भी नहीं की पाकिस्तान का स्टांस रहा भी नहीं है एकदम कह रहे हैं टू 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 स्टेट टू स्टेट स्टेट टू स्टेट भाई आपको कहां से नाजिल हुआ है हमें पता है कहां से नाजिल हुआ है वाशिंगटन से नाजिल हुआ कि आपने अभी इन विद इन फ्यू मंथ्स इस पे कोई अभी पॉलिटिकल सेटलमेंट की तरफ बात जाएगी सो आपने गल्फ के साथ खड़े होना है और आप लोग साथ होंगे तो इजली हो जाएगा हमें देखा नहीं अब्राहम कार्ड के नाम पे ये सीरीज ऑफ ने कैसे एक्सेप्ट कर लिया ये मुस्लिम रूलर्स हमारे नहीं हैं जब तक इस पर कोई कंफ्यूजन है ना कि नहीं शायद वो शायद वो ये करें शायद उनका मकसद ये शायद, कोई शायद शायद नहीं है। इसमें ये उनके लोग हैं ये हमें धोखा दे रहे हैं ये हमारे साथ खेल रहे हैं हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं और अब जो बेवकूफ बन रहा है वो असल में जाहिल है क्योंकि अब अब इतना सब कुछ सामने हो चुका आ चुका हुआ है कि अब कोई कंफ्यूजन नहीं रही कि एक बंदा कहे कि हम किसी को ना बेनिफिट ऑफ डाउट देने का वो स्पेस खत्म हो चुका है हम हालांकि बहुत बेनिफिट ऑफ डाउट देने की कोशिश करते हैं लेकिन यहां पे किसी को कि वो अभी भी कंफ्यूज है उसको अभी भी समझ नहीं आई वो स्पेस खत्म हो चुका हुआ है अब सिर्फ वही बेवकूफ है वही नहीं समझ रहा जो खुद नहीं समझना चाहता वही वहीकुमरानों को स्पेस दे रहा है आज एक इजिप्शियन एक कोर निकले आज एक जॉर्डेनियन कोर हो या पाकिस्तान की एक कोर उठे या एयरफोर्स उठे इस को खत्म करना कोई मसला नहीं है क्योंकि वो एक एयर डिफेंस से आ रही लोगों के साथ भी लड़ नहीं पा रहे हैं उन्होंने कोई दस किलोमीटर और ट्वेंटी किलोमीटर के पूरी वो है उसको वो नहीं कैप्चर कर पा रहे तो एक मुस्लिम आर्मी से कैसे लड़ेंगे एक ऐसे मलेशिया से वो लड़ नहीं पा रहे जिनके पास एयर डिफेंस नहीं है वो जब चाहे बम्बार्ड करें ड्रोन के साथ जंगी जहाजों के साथ टैंकों के साथ आर्टिलरी के साथ आ रहे हैं और डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं एक भी ऐसी ऐसा एक एक फौजी वो यूनिट हो जंगी मशीन हो जिसके पास एयर डिफेंस हो जिसके पास एयर फोर्स हो उसके लिए इसराइल को तबाह करना कोई मसला नहीं है यहां तक के हिजबुल्ला के पास केिटी मौजूद है वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं उनके पास वो मिजाइल मौजूद है मसला ये है कि हुमरान एजेंट है और ये उनके कंट्रोल में है सारे ये है मसला मुसलमानों का मुस्लिम आर्मी मस्त मोबिलाइज यू एंड मी एंड दुम नीड टू मेक श्योर कि वो इस मुस्लिम आर्मी को फोर्स करे कि वो उन जो उनको जिहाद से रोक रहा है उसको हटाने पे कायल करें उनको क्या ये, ये 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 जो मेरा आखिरी सवाल जो है वो इसी से मुतलिक था कि जब सूरत ऐसी है और हुक्मरान जो हैं वो एक इंच हिलने के लिए तैयार नहीं है मुसलमानों के दिफा में और हमारी अफवाज के पास जो है वो कैपेबलिटी मौजूद है तो फिर बतौर उम्म मुसलमानों के ऊपर मेरे ऊपर हम जैसे सारे लोगों के ऊपर हमारे ऊपर क्या अब फर्ज है हमने क्या करना है हम कैसे अल्लाह ताला के सामने क्या खड़े होकर ये कहेंगे जी हमने अपना फर्ज अदा कर दिया था मैंने अपना काम किया था जो मेरी हिम्मत थी मैं वो कर चुका था मैं अपने आप को क्यामत वाले दिन इन फलस्तीनी बच्चों के सामने खड़े होने के लिए मैं क्या करूं हाँ सब मैं एक दो बिल्कुल ब्लंट बातें करूंगा हम लेकिन हमें ये एक ऑब्जेक्ट अचीव करना है और वो है इस उनको रेस्क्यू करना गजा के लोगों को रेस्क्यू करना ऑब्जेक्टिव हमारा ठीक है मसला मुजाहिदीन की कमी कभी नहीं है कि वहाँ लोग जिहाद के लिए तैयार नहीं है माशा वो अपना सब कुछ कुर्बान करके भी कंप्रोमाइज़ करने पे तैयार नहीं है ना उन्होंने कोई प्रोटेस्ट किया मुजाहिदीन के खिलाफ लोगों को कि यार ये मरवा रहे हैं क्यों उन्होंने ये हिसाब सेवन अक्टूबर किया जब बर्दाश्त नहीं कर सकते तो क्यों किया ऐसा कोई भी नहीं कर रहा सब कड़े हैं और सब्र से काम ले रहे हैं इस मुश्किल के ऊपर आजमायश के इस आजमाइशों पर वो सब्र से काम ले रहे हैं हमें इनको रेस्क्यू करना है रेस्क्यू करने के लिए मिलिट्री मशीन चाहिए वह मशीन तालिबान की हो वह मशीन पाकिस्तानी हो वह मिलट्री मशीन इजिपशियंस हो वह जॉर्डेनियन हो टर्कश हो अलजायर की हो सूडान की हो वह मशीन चाहिए ये मशीन मौजूद है और इसमें उम्मत के लोग मौजूद हैं इस मशीन को मोबिलाइज करना ठीक है।, है अब कोई मुझे कहे मैं मैं करता हूं मैं कहता हूं कहता आपके जज्बे को सलाम इज इट डूइंग दिस नो तो प्लीज इसको के तौर तो पर प्रेजेंट मत करें एक बंदा कहता है मैं यजहती गजाजहती मार्च कर रहा हूं मैं कहता हूं आपके जज्बे को सलाम माशाल्लाह आपके जज्बा है कि उसके लिए सोचते हैं उम्मत का एहसास है आपको इज इट मोबिलाइजिंग आर्मी नो आप मार्च करें Army. फिर है। मार्च कर रहे हैं। है, चलें एक लिहाज से तो ठीक है कि उनको नजर कि उम्मत उनके साथ खड़ी है उम्मत उनका दर्द महसूस करती है लेकिन अगर no. ये लोग खड़े हों और वो कहें फौज को हरकत दो फौज को हरकत दो एक पॉलिटिकल डिमांड जिस तरह पेट्रोल प्राइस कम करनी सड़क पर हम हड़ताल करते हैं कर देते हैं मजबूर कर देते हैं ये फौज हरकत करे ना करे आप प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं ठीक है आप मुसल इंटेंसली प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं और जिस तरह यूनिवर्सिटीज के यूनिवर्सिटी में मूवमेंट उठी हमारी मूवमेंट हमें वो जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं हमारा सोल्यूशन अपना है हमें फौज करनी है हमें आईसीसी से कोई फायदा नहीं है हमें जो है वो जो है ब्रॉडर ओपिनियन से इस हद तक तो ठीक है कि वो गजा की सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन ये हमारा सोल्यूशन नहीं हो रहा इससे हमारा सोल्यूशन नहीं निकलेगा वो कहें सीज फायर ना हो ये हमारे गजा के लोगों का रेस्क्यू नहीं है हमारा रेस्क्यू है हमारी फौज मोबालाइज करके इस मसले को जड़ से खत्म करना जो कि है इसराइली स्टेट को खत्म करना ये सोलूशन है तो हर वो काम जो ये कर रहा है वो राइट डायरेक्शन में आप एक कदम लेंगे ना वो दूसरे डायरेक्शन में आप गोल गोल दायरों में लाखों चक्कर मार लें उससे वो एक कदम आगे जाना सही है इसलिए अपना फोकस क्लियर के फौज मोबालाइज करना है उनके उकमरान एजेंट हैं उनके कमांड उनका जो हेड है वो नहीं करने दे रहा तो उसका हल निकाले एक मसला एक रुकावट है ना एक बोटलैक है, तो है जो आपको जहाज से रोक रही है करें उनको कि आप मिलिट्री कॉम कहेंगे ये ऐसा ही मुझे साहब लाहौर पे कल खुदा ना करे हमला इंडिया हमला करे और हमारा कमांडर डिफेंड करने से इनकार कर दे आप क्या करेंगे आप कहेंगे हम क्या कर सकते हैं बस क्या कर सकते हैं आप फौजियों के घरों में नहीं जाएंगे आप जाएंगे नहीं और कहेंगे कि नहीं यार क्या मतलब अगर तुम्हारा फौजी कमांडर लाहौर डिफेंड करने से इंकार कर रहे तो कम लाहौर छोड़ दे? क्या हम होस्टेज बन जाए एक बंदे के लिए क्योंकि उसने इंडिया से डील की हुई है कि मैं तुम्हें लाहौर दे दूंगा तो मैं तुम फौजी तुम तुम उस, उसकी तात करोगे अगर राशिद मिनहास ने एतात की करनी थी जब उसको नजर आया कि रहमान उसका जहाज ले जा रहा है इंडिया तो एतात कर रहा था नहीं लेकिन जब जनरल नियाजी ने तात की तो क्या हुआ बांग्लादेश सरेंडर हो गया ठीक है तो अब एक टाइम आता है हम मिलिट्री कमांड होती है और अल्लाह के अहम के अमीर की ताद करते हैं अल्लाह के अकाम के मुताबिक लेकिन अगर आपके सामने मस्जिद को जो है वो कंप्रोमाइज किया जा रहे हैं ब्लैस लैंड जो है वो कंप्रोमाइज हो रही है कैपेबिलिटी वी कैन डिफेंड इट एंड दे आर नॉट डूइंग इट तो आपको फिर उस बॉटल नेक को रिमूव करना है अब आप सोचिए कैसे करना है आपने मेरा और आपका काम यह है कि हम हर बंदे को एक क्लैरिटी दें कि वो फौज के पास जाए और कहे कि तुम्हें हरकत करना है तुम्हें शर्म करनी है तुम्हें गैरत दिखानी है हाँ सब मुझे बताए वापडा बिजली नहीं दे रहा आप अपने घर सोलर लगा देंगे पूरे पाकिस्तान के घर सोलर लगा सकते हैं नो आपको वापडा ही ठीक करना है ना ठीक है वापडा का चेयरमैन कह रहा है मैं नहीं देता बिजली आप क्या करेंगे आप वापडा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सीनियर ऑफिसर्स को कहेंगे कि यार अटाव चेयरमैन को जो वो कह रहे हैं कि मुझे मैं बिजली लो को नहीं देता आप क्या करेंगे आपके पास और अलावा क्या सलूशन है यही सलूशन है वो जनरल सीसी हो या वो किसी और मुल्क में जो शाह हो ठीक है वो अंग्रेज औरत का बच्चा जो है जो भी है आपने उनको उठाना है क्योंकि ये आपको जहाज से रोक रहे आपका अपना काम है और आपके सामने रुकावट आए आप तो डायरेक्ट कैसे सोचते है? हैं मुसलमानों की मूह रहे तो आप बैठ गेंगे और आप कहेंगे किसी ऑर्डर नहीं क्या करेंगे हम मुसलमानों को अपनी फौज को झंझोड़ना है प्रेशराइज करना है सड़कों पे आके डायरेक्ट मिलकर यार खुदा का करो मुसलमान मर रहे बैठ के क्या कर रहे हो मैं जो आपकी बात से करेक्ट मी इफ आई एम कि जो लिख सकता है वो अपनी लिखाई से अपनी राइटिंग से ये कहे कि फलस्तीन का जो मसले का हल है वो उसकी मुकम्मल आजादी है और अफवाज को वहां जाकर बजरिया जिहाद उसको आज़ाद करवाना है ये जो यही, यही लिखेगा यही लिखेगा जो मुजाहरे कर सकता है वो मुजाहरे में यही कॉल दे कि अफवाह जाएं और मस्जिद अक्सर समेत पूरे फलस्तीन को आजाद कराएं जो कोई और काम कर सकता है अपनी इस्तात के मुताबिक जो भी काम कर रहा है लेकिन उसका जो हदफ होगा वो ये होगा कि मुसलमान अफवाज जाए और जाकर मुकम्मल फलस्तीन को आजाद कराएं तो यही आप कह रहे हैं कि तमाम मुसलमान इस एक हदफ के लिए अपनी तमाम तर ताकतें लगाएं तभी हम ये कर सकेंगे और ये क्लैरिटी जब उम्मत के पास है कि जो आपने अभी अल्फाज कहे ना इमेजिन करें दिस क्लैरिटी ये हर मेंबर से हर टीचर हर जो है पॉलिटिकल लीडर हर कॉलमिस्ट हर होस्ट हर एंकर हर पोडकास्टर हर टिकटॉकर ये बात कर रहा हूं इमेजिन द प्रेशर ठीक है इमेजिन द क्लैरिटी जब तक उस इस मैसेज के अंदर ना मिक्स बात सिग्नल जाएंगे ना तो आप स्पेस दे रहे लोगों को जब इस मैसेज में क्लैरिटी होगी एब्सोल्युटली वन डिमांड क्लियर वन डिमांड और हमें कोई लेफ्ट राइट -right ना करे कोई हमें इधर उधर की कहानियां ना सुनाएं फिर फिर डिस्कशन होगी अच्छा कैसे जाए रास्ता कैसे मिलेगा बेस कैसे बनेगी मस्कत के रास्ते से कैसे जाएंगे ये बॉर्डर कैसे खुलवाएंगे फिर लेट्स टॉक प्रैक्टिकल आप पहले मैसेज पे क्लैरिटी रखें इस पे किसी को इधर उधर ना जाने दें कोई और मैसेज दे उसे कहें अपने जज्बे के लिए करते करें हल से मुझे ना भटकाएं मुझे डिस्ट्रैक्ट ना करें हल से हल एक ही है और एक मैसेज है हर जलसा हर जलूस हर मस्जिद हर दरस कुरान हर खत में सही बुखारी जो भी है उसके अंदर एक मैसेज होना चाहिए और वो यही बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपकी गुफ्तु का और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उम्मत को यकजा करे अल्लाह ताला फलसतन को आज़ादी हमें देखना नसीब फरमाए अल्लाह ताली मुसलमान अफवाज को उनके दिल खोल दे इस काम के लिए और अल्लाह ताली पूरी उम्मत को इस एक हदफ पे इस एक हल की तरफ मुकम्मल आज़ादी और वो भी अफवाज के ज़रिए इसकी तरफ मुतहद होने के अल्लाह ताला जो है वो आ, हमारे सीने को खोल दें आ, और इसी के साथ हम अपना जो आज का ये पॉडकास्ट है हम इसको ख़त्म करते हैं इन शबारा किसी